झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को अब तक नहीं खोला है। कहीं न कहीं कोविड-19 का डर और भय अभी भी ऐसा है कि सरकार इस पर निर्णय लेने से हिचक रही है। लेकिन आम स्कूलों की बात छोड़ दें, अगर उन विशेष स्कूलों की बात करें जहां दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहां पढ़ाई में और ज़्यादा मुश्किल आ रही है। ये हम देखिए, एक स्कूल में पहुँचे हैं जहाँ ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यूँ कह सकते हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। उनको स्क्रीन पर, एक छोटे से 5 इंच के स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ाना सिर्फ फेस के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से काफ़ी मुश्किल होता है। जब तक अब वो शिक्षक का पूरा बॉडी, पूरा शरीर नहीं देखते, वो एक्सप्रेशन को ग्रहण नहीं कर पाते, लिहाजा उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। यही वजह है देखिए कि एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं वो परेशानी ज़रूर आ रही है इन लोगों को, जिसके वजह से ये लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में अब तक नहीं आ पाया है। यही वजह कि हम इस स्कूल में खास तौर पर पहुंचे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या परेशानी आ रही है। आइए शिक्षिका से ही बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कि चूंकि 5 इंच के स्क्रीन में बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चे दिव्यांग श्रेणी के आते हैं, उन कितनी परेशानी होती है आप लोगों को पढ़ाने में? हम लोग को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर, इतने ही दूर में हम लोग को पूरा पढ़ाना, सारे बच्चों को चेहरा तो हम सामने देख नहीं पाते हैं और कुछ कुछ बच्चों का देख पाते हैं। नेटवर्किंग देखिए, आप देख रहे हैं कि 2 ही बच्चे 3 बच्चे दिख रहे हैं और का सबका चेहरा गायब हो गया है। अब हमको ये लग रहा है कि बच्चे अभी फिलहाल गेम कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सो क्लियर नहीं हो पाता है। और आइए कोशिश करते हैं कुछ एक गार्जियन से भी ऑनलाइन हम लोग बात कर लें और समझे कि उनको क्या परेशानी आती है। मान्यता की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पर वो जुड़ी हुई हैं और हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई को अवरुद्ध भी कर रहे हैं कुछ हद तक। खैर, बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए, चूंकि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, कितनी परेशानी होती है ऑनलाइन शिक्षा में आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है। देखिए सर लोगों का जो साइन लैंग्वेज है वो हम लोगों को बहुत कॉम्प्रेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों से पहले सीखना पड़ता है, तब उन लोगों को 1 घंटे में सर लोग क्या सिखाएंगे, जिसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि स्कूल अगर खुल जाते तो वो कॉपरेट करते बच्चों को और हम लोगों को थोड़ा सक्षम होते कि चलो हम लोग को भी कॉपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों लोगों का स्कूल बंद है सर, तो 1 घंटे में क्लास हो नहीं पाती है। तो सरकार से क्या मांग करती है, कब तक स्कूलों को खोलना चाहिए? एक और पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अबुजर की मम्मी जो कटिहार बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके साथ स्थिति है और क्या परेशानी आती है। जो कई बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने खास तौर पर आमंत्रित किया है, बुलाया है, ताकि हम समझ पाएँ कि उनके साथ क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये देखिए, नेटवर्क का भी इशू कहीं ना कहीं आता है, जिसके वजह से परेशानी होती है और ये हर दिन की परेशानी है, कोई आज की परेशानी नहीं है, जिसके वजह से ये लोग कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो ये नेटवर्क का भी इशू बहुत गंभीर बहुत ज़्यादा होता है। नेटवर्क का तो इतना चेहरा किसी बच्चा का नहीं दिखता है और हम लोग तो बिना चेहरा देखे और अपना चेहरा दिखाए लोग से बिना बात किए तो नहीं हो सकता, साइन बताना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग तो आपको जिसे स्क्रीन में केवल फेस ही दिखा पाते हैं, पूरा शरीर तो दिखा मुश्किल दिख ही नहीं पाता है, बस हम फिंगर स्पेलिंग थोड़ा बहुत कर पाते हैं और बॉडी एक्सपीरियंस तो नहीं हो पाता है। अब बच्चों का भी नहीं हो पाता है, बच्चे भी कुछ बताते हैं तो सिर्फ हम फिंगर स्पेलिंग ही समझ पाते हैं ज्यादातर करके। साइन ऑनलाइन पढ़ा के भी पूरी शिक्षा दे पाने में मुश्किल हो रही है, संभव नहीं है। हम लोग जब बच्चों का क्लास चलती थी तो हम लोग को बहुत उसमें समझाने में समय लगता था, तो अभी ऑनलाइन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा। नॉर्मल बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पेशल बच्चे हैं। तो आपने देखा किस तरह नेटवर्क का भी एक गंभीर विषय होता है और ये रांची शहर के बीचे बीच की स्थिति है। आप देखिए कि नेटवर्क चला जाने की वजह से फिर से एक बार कनेक्ट करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये बताइए कि सर क्या परेशानी आती है नेटवर्क जब चला जाता है? तो नेटवर्क चला जाता है तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, फिर से सभी बच्चों को जोड़ना होता है, फिर से जोड़ना पड़ता है फिर बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो इंटीरियर इलाकों से आते हैं वहाँ तो और परेशानी होती होगी, परेशानी होती है, सब बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं इसमें ऑनलाइन में। जी फिर आपको मतलब 1 घंटे क्लास हो सकता है, ज्यादा देर चलानी पड़ती होगी? नहीं, 1 घंटे 1.25 घंटे 2 क्लास लेना पड़ता है, 3 क्लास लेना पड़ता है। जी तो उसमें और बच्चे को
क्लास लेना पड़ता है, इसलिए क्लास एक घंटे चला पाते हैं। जा किसी और पेरेंट्स से भी हमारी बात आप करा दें तो ताकि हम ये समझ पाएं कि एक्चुअल में स्थितियां क्या होती हैं और वो ये भी बता पाएंगे कि और, ये देखिए एक और पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ गए ऑनलाइन हमारे विशेष आग्रह पर, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि झारखंड सरकार से वो क्या चाहते हैं ताकि ये परेशानी हो। आप दीदी कहाँ के रहने वाली हैं, कहाँ के रहने वाली? ये प्रदीप की मम्मी से बात कर रहे हैं, संटू की मम्मी से बात कर रहे हैं। तंसु की मम्मी सामने आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए परेशानी होती है ऑडियो नहीं होने की वजह से, अब तक आवाज और संप्रेषण नहीं हो पाता है जिसके वजह से। ये बताइए कहाँ के रहने वाली हैं आप? हजारीबाग के रहने वाली हैं। तो अभी बच्चा घर पर ही है तो पढ़ाई में क्या दुश्वारी आ रही है? घर में नहीं है सर, हम लोग रांची में रेंट में रेंट में रहते हैं। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे, बच्चों का स्कूल खोला जाए? ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है, उसमें क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो है सर, हम लोग तो इन सब का भाषा नहीं ना समझ सकते हैं। अच्छा, और शिक्षक लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं इस बात को? तो आपने सुना, एक दो गार्जियन से हम लोगों ने बात की और ये समझने की कोशिश की कि जब दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को जब पढ़ाने की व्यवस्था होती है तो उनको पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि इनको हर शिक्षक पढ़ा नहीं सकते और इनकी बातों को हर कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता, लिहाजा इनके लिए विशेष व्यवस्था होती है और उसी विशेष व्यवस्था के तहत ही उनको पढ़ाने की जो सिस्टम है वो डेवलप किया जाता है। मगर चूँकि ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी ऑनलाइन जो व्यवस्था होती है वो पर्याप्त नहीं है, लिहाजा कहीं ना कहीं परेशानी और दुश्वारी सभी के सामने है। हालांकि सरकार की तरफ से और स्कूल प्रबंधन की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन बच्चों के लिए, चूंकि विशेष श्रेणी के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए वो शिक्षा भी कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही है और ऊपर से नेटवर्क का इश्यू होता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड सरकार तक ये भी आवाज़ पहुंचेगी और जल्द से जल्द जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए स्कूलें खोली जाएगी और इन विशेष जो वर्ग के बच्चे हैं इनके लिए खासतौर पर सरकार ध्यान रखेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज़।